अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवेद अहमद वारसी आप सभी का स्वागत करता हूं द गार्डियन चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं कैरेंटुला के बारे में बात करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा इसके जो सीड्स होते हैं उसको हम कलेक्ट कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ये देखिए मेरा कैरेंटुला प्लांट है और इसको मैं लेकर आया था 20 दिसंबर को और इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग करी और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ भी थी। ये मैं 2 प्लांट लेकर आया था, दोनों अलग अलग कलर के थे और ये देखिए ये जो फ्लावर है ये मुरझा गया है और इसके अंदर भी सीड पॉट बन जाएगा इस जैसा जैसे ये है। और ये आपको दिख रहा होगा ये जो होते हैं ये सब सीड पॉट होते हैं। ये फ्लावर खिलने के बाद जब मुरझा जाता है उसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं तो कुछ इस टाइप का बन जाता है और हम इसको लगे रहने देंगे तो ये इस टाइप से सूख जाएगा जिसको हम बाद में काट कर रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ये देखिए आप, ये मेरा पूरा प्लांट है और इस पे देखिए कितने सारे सीड पॉट रखे हैं। अब मैं इसको काट लेता हूँ। ये देखिए आपको करीब 3 इंची डंडी जो होती है वो काटना होगी, ये देखिए, और फिर इसको हम सबको कलेक्ट कर लेंगे। ये मैं सारे जितने भी हैं सब मैं काट लेता हूँ एक एक कर कर। ये देखिए ये पूरा सीड पॉट है, इसमें सारे जितने भी हैं ये सब सीड हैं और ये थोड़ा सूख भी चुका है। मैंने सारे सीड काट लिए हैं सीड पॉट और ये देखिए हमारे पास कितने बहुत सारे सीड पॉट हो गए हैं। लेकिन मैं अभी इसको कलेक्ट नहीं करूँगा, इसको मैं कुछ टाइम के लिए शेडी एरिया में रखूँगा जिससे ये सारे जितने भी हैं ये सब ड्राई हो जाएं, सूख जाएं आफ्टर 9 डेज। ये देखिए 9 दिन के बाद ये पूरे सीड पॉट ड्राई हो चुके हैं और देखिए जो हमने सीड कलेक्ट किए थे वो कुछ इस तरह के थे। ये आज ही मैंने तोड़े हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए, ये ग्रीन ग्रीन से इस टाइप के थे लेकिन अब ये जो हैं वो 9 दिन के बाद इस तरह हो चुके हैं, जो छूते ही ये गिरते हैं। अब हम इसको इस टाइप से अपने थम्स की मदद से अलग कर लेंगे। ये देखिए ये जितने भी हैं ये सब सीड हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे सीड को सीड पॉट से अलग कर लिया है और ये कुछ इस तरह के हो गए हैं। अब मैं इसको इस पॉलीथीन बैग में रखूँगा, इसमें जिप लगी होती है जिससे एयर इसके अंदर नहीं जाती और जब तक एयर नहीं जाएगी तब तक ये सीड जो हैं हमारे बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे और इंशाल्लाह अगले साल हम इन्हीं को लगाएंगे और इनसे पूरे प्लांट बनेंगे, फिर से उस पर फ्लावरिंग होगी। ये सब मैं इसमें रख लेता हूँ, ये सब भर लेता हूँ मैं इसमें सही से जितने भी सीड हैं मेरे। और ये देखिए कुछ सीड जो हैं वो नीचे भी गिर गए हैं, उनको भी मैं उठा लेता हूँ। जितने भी हैं ये सब मैं इस पूरे बैग में भर लेता हूँ और इसकी जिप लगा देता हूँ जिससे इसके अंदर एयर ना जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे सीड कलेक्ट कर लिए हैं अगले साल के लिए। अब इंशाल्लाह किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।